कैरेक्टर ऐसे लोग अच्छा हुआ कॉलेज लाइफ नहीं थी, नहीं तो हम लोग के साथ हो जाएगा। जो है पूरा ओरिजिनल है, मतलब दोनों का दोनों जो ओरिजिनल है। हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय न्यू ब्लॉग। कल जो है आज जा रहे हैं थोड़ा झूलन देखने के लिए, मेला लगा हुआ है। कल ही लगा हुआ था, कल जो है नहीं जा सका। और कांचियापाड़ा का झूलन सच बताओ तो भाई काफी मजेदार होता है। और पिछले बार मैं सिर्फ देखने गया था, वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। कल जो है अभी बिना लेट किए हुए चलते हैं, थोड़ा झूलन देखते हैं और दिखाता हूँ भाई कांचियापाड़ा का झूलन। साथ में अभी जाएगा ये स्मार्ट दिख रहे हैं, स्मार्ट तो नहीं दिख रहा है। तो भाई यहाँ से जो है मेला का असर आपको दिखना स्टार्ट हो चुका होगा। ये देखो झूलन से कम लग रहा है जो माथा पे रखा है। तो मिलेगा सर, एक ऐसे सर में लगा घूमना, यही तो है मेले का नज़ारा। लेगा सर अब टेडी बियर अपने लव के लिए, लेने लायक है तो ये टेडी बियर। जो खाने पीने के हुआ तो गाइस यहाँ देखो, ये मेरा फेवरेट मिस्टर पोटैटो, बाद में खाएंगे। क्या लिखा है? और ये हमारा हॉकर्स कॉर्नर जहाँ लगी हुई अंदर मेला घुस गया है। ऐसे यहाँ पे अंदीना सिर्फ मार्केट ही रहता है, नॉर्मली देख रहा है ना पूरा मार्केट रहता है ऐसे, लेकिन मेला में सच कितना भीड़, ऐसे भी भीड़ रहता है जब मार्केट रहता है तब भी। वाह कितना भीड़ है। मेला में क्या है, पृथ्वी में बैठा हुआ चाणक्य, चाणक्य है पूरा ओरिजिनल है, मतलब दोनों का दोनों जो ओरिजिनल है। ये ऐसा नहीं है कि ये मूर्ति है या फिर कुछ, दोनों है ओरिजिनल यार। देखने रहा है, हिल रहा है पूरा, इंसान ही है, ओरिजिनल है। नरसिम्हा बिल्कुल उनको मिलेगा सब अस्सी है। ये कौन है, मच्छरदानी? ये सर मच्छर अविनाश समझ में आया इनका कहने का मतलब है कि कभी भी मच्छरदानी खोल के मत सोना। अरे उधर मच्छरदानी भी तो है, मच्छर है ये बोल रहे हैं, मच्छर है बड़ा वाला। कितना बड़ा होता है मच्छर? कौन देश का मच्छर है? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ। असली तो था ही, यही तो बैठा हुआ था उस समय, तो इसको चाणक्य बोल रहा था। रैगिंग सर, सर मिल गया तुम्हारे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी हॉस्टल है से जे आई एस है क्या यार, डिसाइड कर लिया था। अच्छा सब तुम लोग के वजह से होता है, खड़ा करते सो यहाँ पे खड़ा फोटो लेते हैं यार, लगा क्या रहा है खड़ा ना, तुम्हें तो कॉलेज का स्टूडेंट है। गौर से देखिए, यही है कॉलेज का असली रैगिंग करता। हाँ भैया रैगिंग नहीं करते, देश को बर्बाद करके रख दिया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अच्छा हुआ कॉलेज लाइफ नहीं जिए, नहीं तो हम लोग के साथ भी रैगिंग होता है ऐसे ही। ऐसे हाथ मरोड़ देता है वो, है ना, बालू बालू से बनाया है, भूसी से ये सब, तो ओरिजिनल लग रहा है यार, कहीं आ गए हैं। बीच में खड़ा हो जाएगा तो लगेगा पीछे का सीन से एकदम ओरिजिनल। ये कौन है? कॉलेज का प्रोफेसर लग रहा है तुम्हारा सर, लिखा हुआ है वो देखो ना, विद्यासागर, विद्यासागर समझा।
और चलो गाइस अभी खाते हैं मिस्टर पोटैटो। चलते हैं फ्री पकड़ का मॉकटेल पीते हैं। कौन सा पिएगा? ब्लैक करंट। क्या 20 रुपये में हो जाएगा? एक्सपीरियंस बता के कितना लगा। 50 रुपया में जो है 50 रुपया बनाते उससे भी अच्छा टेस्टी और क्या एकदम सरा हुआ टेस्ट वाला बना दिया। कुछ लेगा यार? नहीं लगाना। चलो मेला में दो चीज खाया, एक तो मिस्टर पोटैटो और ये मॉकटेल। दोनों का दोनों जो है हम लोग का हालत खराब कर रहे हैं। इतना खराब टेस्ट था, इतना फालतू था, इसीलिए एक ही बात बोलूँगा भाई, मेला में कुछ मत खाओ। सही बात है, पैसा बचाओ। मेला में कुछ भी बिल्कुल, और क्या बोलूँ, मेला में कोई खास कुछ नहीं है। मतलब बोला झूला वगैरह होगा, कहाँ कोई झूला झूला मिला नहीं है। यहाँ पे मिल रहा है सौरभ तुम्हारे लिए बैग, यहाँ पे मिल रहा है गर्लफ्रेंड के लिए फूल, और यहाँ खुद गर्लफ्रेंड मिल रही है। इतना वाह यार, क्या क्या चीज मिलता है मार्केट में। ओ देखो ये स्टीमर तो लेकर के गए थे एक बार विश्वकर्मा पूजा में। देखो भाई वहाँ मॉकटेल जो था काफी महंगा और टेस्टी भी नहीं था, इसीलिए अभी सोच रहे एक गिलास बचा के रखे हैं। इस गिलास में घर में बनाएंगे मॉकटेल, और घर में बना करके उसके बाद फिर लेकर के निकलेंगे। जब अभी छुपा लो नहीं तो सब देख लेगा कि खाली ग्लास ले जा रहा है, तो उधर से खड़ा हुआ लेकर के आएगा। इसलिए जो है अभी इसको छुपा करके बाहर से जो है डायरेक्ट खड़ा हुआ ही लेकर के आएंगे बना करके। कौन का है क्योंकि मेरा भी सेम ही रहेगा और टेस्ट उससे अच्छा रहेगा। स्प्राइट है ना घर में। ठीक है, फाइनली अभी हमारा घर में मॉकटेल बन करके हो गया है तैयार, और ये कम से कम उस 50 रुपये से तो अच्छा ही है गाइस। एक बार टेस्ट करके देखते हैं। एक नंबर। फाइनली वहाँ मॉकटेल 50 रुपीज वाला, और ये घर का बना हुआ फ्री मॉकटेल। मिशन सक्सेसफुल। फाइनली आ चुका हूँ रूम, और मेला ठीक था भाई, कोई खास मेला नहीं था, पर मज़ा ही आया थोड़ा बहुत। तो आज का ब्लॉग जो है फिलहाल करते ही खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।